मूंग दाल को मैं ऐसे ही इकट्ठा फ्राई करके रखती हूँ। फ्राई कर देने से ना फ्रेंड काम इजी भी हो जाता है एंड कीड़ा भी नहीं लगता है। ये देखिए लाल हो गया हल्का हल्का एंड ये ठंडा हो करके मैं अभी इसको डब्बा में भर के रख दूँगी। यहाँ मैं लंच का प्रिपरेशन में लग गई थी। ये देखिए मैं चावल फ्राई कर रही हूँ पुलाव के लिए, साथ में मैं बीट गाजर मटर को भी फ्राई करके रखी हूँ एंड ये इसमें मैं मिला दी हूँ। कितना अच्छा लग रहा है ना, कलरफुल प्यारा लग रहा है। एंड ये देखिए मैं गंजी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ क्योंकि मैं पहले भी आपको बताई हूँ कि मैं गंजी में ही पुलाव बनाती हूँ करके, इसलिए इसको मैं गंजी में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। साथ में मटर पनीर का सब्ज़ी बनाना था एंड ये देखिए मसाला फ्राई कर रही हूँ एंड ये पनीर को मैं फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए पनीर फ्राई मेरा हो गया था एंड यहाँ मसाला भी फ्राई हो रहा है एंड ये मटर भी छील के रखा हुआ है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मसाला फ्राई हो गया था तो इसी में अभी मैं मटर डाल रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मटर के साथ उसको भी मसाला को थोड़ा फ्राई कर दूँगी एंड साथ में मैं पनीर को भी ऐड कर दी हूँ। थोड़ी देर ऐसे पकाने के बाद एक हुईसी लगा दूँगी। हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग सब अच्छे से होंगे, मैं भी अच्छे से हूँ। एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से हैप्पी महाशिवरात्रि। एंड जब तक वीडियो जाएगा तब तक शायद शिवरात्रि खत्म हो गया होगा। एंड हल्का हल्का बैकग्राउंड से आवाज़ आ भी रहा होगा, मंदिर पास में है तो भजन का आवाज़, भजन सब लगाए हैं, कुछ ये डेक पे को लगाए हैं शिवरात्रि का, तो आवाज़ आ रहा होगा। एंड चलिए, एंड जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाई मेरा मटर पनीर का सब्जी बन रहा है, अभी इसको एक हुई से लगा दूंगी। हालांकि मैं उपवास नहीं रखती हूँ लेकिन शिवरात्रि है तो मंदिर दर्शन करने चली जाती हूँ। एंड संजू तो ड्यूटी निकल गए हैं तो इसीलिए मैं पड़ोसी के साथ मंदिर जाऊंगी। एंड पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बना पाऊंगी, लेकिन क्योंकि आज तो बहुत भीड़ भी होगा मंदिर में तो इसीलिए पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी और नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं बनाऊंगी। अब वीडियो बनाए तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। एंड पास में ही मंदिर है तो पड़ोसी को ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि मंदिर जाएंगे तो बुलाएंगे करके, तो उनके साथ जाऊंगी। और ये मंदिर तो जाना है, शिवरात्रि है तो मंदिर तो जाके दर्शन करके आ सकती हूँ, तो इसीलिए मैं मंदिर जाऊंगी। एंड फिर खाना तो मेरा ऑलरेडी बन चुका है, आप लोगों को तो दिखाई हूँ। मेरा सावर आवर सब हो चुका है, बस तैयारी करूँगी। बाल आज धोई थी, सिर्फ हेयर वॉश करी थी इसीलिए कैसे दिख रहा है। अभी जाकर कंघी वंघी करती हूँ और मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर जाऊँगी। एंड आज मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम भी निपटाना है फ्रेंड, जो कि वैक्सीन का काम निपटाना है क्योंकि मेरा सेकेंड वैक्सीन बाकी था, मेरा समझू का दोनों का बाकी था। तो ड्यूटी तो गए हैं फास्ट, तो आते समय पूछ के आएंगे कि वैक्सीन हो रहा है कि नहीं, आज वैक्सीन दे रहे हैं कि नहीं। आज वैक्सीन देंगे तो आज सेकेंड वैक्सीन ले लेंगे। तो चलिए फिर जल्दी जल्दी मैं काम निपटाती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। ऐसे भजन का आवाज़ आता रहता है तो अच्छा लगता है सवेरे सवेरे। एंड बस मेरे को ड्रेस चेंज करना है एंड जाना है। और ये देखिए फ्रेंड मेरा मनी प्लांट कैसे हो गया है, थोड़ा सा कुछ काम है निपटा देती हूँ। एक सिटी हो जाएगा तो मेरा मटर पनीर की सब्जी भी हो जाएगा। तो फिर समझो 2 दिन का छुट्टी लेके बोले हैं। अगर मान लीजिए बॉडी पेन कुछ हुआ कि कुछ रिएक्ट बुखार बुखार आया, फीवर वीवर आया तो फिर समझो फिर ड्यूटी के लिए प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए 2 दिन का छुट्टी भी लेंगे। एंड चलिए मैं जल्दी जल्दी तैयार होती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आप लोग को, मंदिर जाते समय मिलूंगा। जहाँ शिव का नाम गूंजे दर का
समझ आ ही रहा है, मैं उस समय के बाद से अभी आप लोगों से मिल रही हूँ। एंड मेरा लंच हो चुका है एंड जो जल संजू भी तैयार हो गए, अभी हम लोग चल रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। एंड उधर देखिए, उधर संजू भी खड़े हैं, दिख रहे होंगे, हल्का हल्का विजल हो रहा होगा कांच की इधर से। चलिए, मैं आज मेरा सेकेंड वैक्सीन डोज है, चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे। एंड तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको बोलने का भी जरूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब कर, लाइक एंड शेयर कर देंगे। एंड जो भी फ्रेंड मेरा नया वीडियो में बने हुए हैं वो लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पे, मिलते हैं। मुझे पटना भी तैयार हो गए हैं वैक्सीन लेने के जाने के लिए। ऐसे भी 2 दिन का उनका छुट्टी है, बहुत कम छुट्टी लेते हैं ये। देख रहे हैं आवाज़ कैसे इरीटेटिंग लगता है। वैक्सीन लेने जा रहे हैं, डेट आ गया। चलिए, ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो गए हैं नहीं। चलिए अभी हम लोग चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर, मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ। हाय फ्रेंड, अभी हम लोग वैक्सीनेशन सेंटर पर आ गए हैं, लेकिन लोग चाय पी रहे हैं। थोड़ी देर वेट करने के लिए बोले, 10 मिनट वेट करने के लिए बोले, ले रहे हैं मिस्टर संजू। और भी लोग आए थे वैक्सीन लगाने के लिए, देखिए। संजू इधर आओ ना, आओ ना संजू, ये मुझे अभी भी इंजेक्शन से डर लगता है, इसलिए संजू को बुला रही थी। चलिए, हम लोग का तो वैक्सीन लग चुका है एंड अभी हम लोग घर जा रहे हैं, बैक टू घर। एंड घर में जाके फिर मिलते हैं। तुझे कुछ लगा? अभी तो नहीं लगेगा, अभी तो लगाए हैं तो कुछ देर के बाद लगेगा। पश्चात मत बाबा, इनका तो मैं हिंदी से ना, इनका हिंदी से ना मैं परेशान हो जाती हूँ। पश्चात कुछ देर पश्चात में लगेगा बोलते हैं, बताइए। चलिए, इनका हिंदी तो लगा रहेगा, चलिए बाद में बात करते हैं। मैं जाकर घर में मिलती हूँ आप लोगों से। आ गए हैं, ये इरिटेटिंग आवाज़ बाबा यहाँ होता रहता है, इनसे आवाज़ आता रहता है। एंड अभी संजू ताला खोल रहे हैं, हम लोग घर पहुँच गए हैं। चलिए, एक बहुत बड़ा काम हो गया, जो सेकेंड डोज जो लोग नहीं लिए हैं प्लीज़ जल्दी जल्दी ले लीजिए। अभी मैंने 15-20 डेज हम लोग लेट में ही लगा रहे हैं। एंड चलिए, फिर क्या रिएक्शन होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। चलिए, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, कपड़ा वपड़ा बदल करती हूँ। शाम को दोनों जन को फीवर आ गया था एंड हाथ में दर्द भी था, इसीलिए डिनर करने होटल आए थे। चलिए, फिर ये वाला ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वाला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर। एंड ये देखिए, हम लोग अपना डिनर एंजॉय कर रहे हैं।